हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता टावरी अपने यूट्यूब चैनल इट्स ऑल अबाउट बीइंग पैशनेट में आपका स्वागत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लज़ानिया। ये एक इटालियन डिश है। इसे बनाने के लिए हमें दो तरह के सॉस चाहिए, वाइट सॉस और रेड सॉस। सबसे पहले हम रेड सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो टमाटर। इन टमाटरों पे मैं इस तरह से चीरा लगाऊंगी और थोड़े से पानी में मैं इन्हें उबालने रखूंगी। इस तरह से मैं सारे टमाटरों में चीरा लगा करके और इसे उबालने रखूंगी। और जब ये 7-8 मिनट में उबल जाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इनके छिलके निकाल के हमें इसके बारीक बारीक टुकड़े काट लेने हैं। ये देखिए, सारा चीरा लग चुका है। अब मैं इसे ढक के और इसे उबालने रख दूंगी। मैंने इस पैन में बटर लिया है और इसमें मैं थोड़ी सी गार्लिक डालूंगी। ये बारीक बारीक कटी हुई गार्लिक मैंने इसमें डाल दी है। इसे करीबन 7 से 8 सेकेंड तक हम सौते कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आए। इस तरह से भूनने के बाद में मैं इसमें डालूंगी एक छोटा कप बारीक कटा हुआ प्याज। और इसे करीबन 3-4 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन पूरा निकल जाए और ये हल्के से गुलाबी रंग होने तक भून जाए। ये सारा काम हमें धीमी गैस पे ही करना है। अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने टमाटर तैयार किए थे उबाल के बारीक काट कर, वो इसमें मैंने डाल दिया है। और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। और इसमें मैं ऐड करूंगी नमक, लाल मिर्ची और ऑरिगेनो। अब इसमें मैं ऐड करूंगी टमाटो केचप। ये मैंने 1 कटोरी टमाटो केचप इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हम सेक लेंगे ताकि इसका पानी पूरा सूख जाए और हमारा सॉस एकदम अच्छा थिक सॉस तैयार हो जाए। हमारे सॉस का पानी सूख रहा है और मेरा सॉस तैयार हो गया है। इसे मैं ठंडा करने के लिए एक साइड में रख दूंगी। ये देखिए, हमारा सॉस तैयार हो गया है। अब मैं बनाऊंगी वाइट सॉस। इसके लिए मैंने बटर लिया है। बटर में थोड़ी गार्लिक डाली है। अब इस गार्लिक को मैं 5-7 सेकेंड तक भून लूंगी ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और उसका फ्लेवर अच्छा है। इसके भुनने के बाद में मैं इसमें ऐड करूंगी 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास में कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसके अंदर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें डाल के मैं इसे अच्छे से सेक लूँगी। बटर में कॉर्नफ्लावर को अच्छे से भून लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 ग्लास दूध। कॉर्नफ्लावर अच्छे से जब भुन जाता है तो उसमें गांठें नहीं पड़ती हैं। ये इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। जैसे जैसे दूध उबलेगा, गर्म होगा, वैसे वैसे हमारा जो ये सॉस है वो गाढ़ा पड़ता जाएगा। ये सॉस पक गया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्ची डालूंगी और साथ में डालूंगी थोड़ा सा नमक। इसे 1 मिनट और गैस पे चला लेंगे और फिर इसे गैस बंद करके उतार लूंगी। पर इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है जब ये ठंडा होता है उस समय, नहीं तो इसके ऊपर एक कॉर्नफ्लावर की परत जैसी आ जाती है। यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा। इसमें थोड़ा सा नमक और तेल डालूंगी और आटा गूंद लूंगी। अब इसकी पतली पतली रोटी बना लेंगे। जिस साइज का हमारा पैन है जिसमें हम लज़ानिया बनाएंगे, वो साइज की हमें रोटी बनानी है। रोटी एकदम पतली बेलनी है, कहीं से भी मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए। ये मेरी रोटी बन गई है। इसी तरह से
मैं और दो रोटी बना लूंगी। और इसे हम हल्का सुखा लेंगे ताकि इसकी हवा निकल जाए। ये देखिए हमारी रोटी बन गई है और इसे मैंने सुखाने के लिए रख दिया है। ये देखिए ये इस तरह से सूख जाती है। अब हम लज़ानिया के लिए सब्जी तैयार कर लेंगे। मैंने बटर डाला पैन में, इसमें मैंने अनियन डाले हैं, अब बारीक कटे हुए फूलगोभी, गाजर, मक्की, मटर ये सब मैं इसमें डालूंगी और इसे अच्छे से सौते कर लूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा आलू डालूंगी, ये भी बारीक कटे हुए होने चाहिए, छोटे छोटे एक जैसे पीस होने चाहिए। ये सब्जी सीज जानी चाहिए। सब्जी सीजने के बाद में हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। ऑरिगेनो, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी, टमाटर पाउडर, मिर्ची, सारे मसाले हम डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से सेक लेंगे। मसाले भी हमारे भुन जाएंगे। सब्जी एकदम सॉफ्ट कर लेनी चाहिए। ये हमारी सब्जी सीज गई है और हमारे मसाले भी हमने अच्छे से मिला लिए हैं इसमें। सब्जी तैयार है। अब हम लज़ानिया की लेयरिंग करेंगे। इस कढ़ाई में मैं सबसे पहले रेड सॉस डालूंगी, चारों तरफ से अच्छे से बिछा दूंगी। ये रेड सॉस चारों तरफ अच्छे से बिछा देंगे पैन में नीचे साइड। अब इसके ऊपर एक रोटी रखेंगे। अब इसके ऊपर वापस हम रेड सॉस लगाएंगे। व्हाइट सॉस डालूंगी। चारों तरफ अच्छे से दोनों सॉस को हम फैला देंगे। अब इस पे हम बनी हुई सब्जी डालेंगे। इस तरह से एक लेयर बनी। अब इसके ऊपर वापस हम एक रोटी रख देंगे। फिर से इसके ऊपर रेड सॉस लगाऊंगी, फिर व्हाइट सॉस डालेंगे सब्जी डाल करके। अब इसके ऊपर हम चीज डालेंगे। ये मोज़रेला चीज है, इसे मैंने ग्रेट करके रखा है और इसे हम इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। चीज़ डालने के बाद में हम इस पर वाइट सॉस भी डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब वापस हम इसके ऊपर तीसरी रोटी रख देंगे। फिर से हम इसके ऊपर इसे अच्छे से दबा के लगाएंगे रखेंगे। अब फिर से हम इसके ऊपर रेड सॉस लगाएंगे। सेम रेड सॉस को चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। रेड सॉस चारों तरफ अच्छे से लगाने के बाद में अब मैं इसके ऊपर व्हाइट सॉस डालूंगी। व्हाइट सॉस को भी वापस फैला देंगे चारों तरफ। अब इसके ऊपर हम सब्जियां डाल देंगे। सब्जी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पर अगर आपने सब्जी बहुत ज़्यादा डाली तो आपको सॉसेस भी थोड़े ज़्यादा डालने पड़ेंगे। अब इसके ऊपर वापस व्हाइट सॉस डालूंगी।
चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। इसका बहुत ही अच्छा एक क्रीमी टेस्ट आता है। अब इसके ऊपर मैं वापस से चीज डाल दूंगी। और इसे हम गैस पे रख देंगे। इसे बनने में करीबन 15 मिनट लगते हैं। इसका पानी पूरा सूख जाना चाहिए और हमारा लज़ानिया रेडी है। थोड़ा ठंडा होने के बाद में मैं इसके पीसेस काट लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लज़ानिया रेडी है। आप इसे ज़रूर बनाएं। कैसा बना इसकी फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।